मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कूड़ा मर्दानगढ़ में जन्मे कर पात्री महाराज के शिष्य संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दाजी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में किया जा रहा था। दद्दाजी के लंग्स और किडनी में परेशानी के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन 17 मई को अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों को दद्दाजी को घर ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें जबलपुर लाया गया और वहां से रात में ही दद्दा धाम स्थित निज निवास लेकर पहुंचे। इस बात की जानकारी विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने दी। जैसे ही लोगों को दद्दाजी के स्वास्थ्य बिगड़ने की जानकारी मिली, वैसे ही लोगों का दद्दाजी के धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरी दुनिया में दद्दाजी के लाखों अनुयायी हैं। इसी कड़ी में दद्दाजी के दर्शन के लिए रविवार दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह समेत कई बड़े नेता, अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव दद्दाजी के दर्शन के लिए दद्दाजी धाम पहुंचे। दद्दाजी ने रविवार शाम 8:27 पर अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि संस्कार धानी जबलपुर में दद्दा का विशेष लगाव रहा है। यहाँ का गोला बाजार उनके प्रारंभिक यज्ञों का गवाह रहा है। जबलपुर का बुद्धिजीवी वर्ग दद्दा शिष्य मंडल का अभिन्न अंग है। गुरु का शिष्यों के प्रति इतना स्नेह था कि वो शिष्यों के बीच दद्दा जी के नाम से पहचाने जाते थे। सभी इस मुश्किल घड़ी में विधि के विधान को स्वीकार करके खुद को किसी तरह संभालने में जुटे हुए हैं। दद्दाजी का संगम नगरी से गहरा लगाव था। चाहे कुंभ हो या अर्धकुंभ या फिर माघ मेला, दद्दा का शिविर जरूर लगता था और देश के कोने कोने से आने वाले अनुयायी करोड़ों पार्थिव शिवलिंग बनाकर राष्ट्र मंगल की कामना में संगम में विसर्जित किया करते थे। उनके शिष्यों के मुताबिक दद्दा की अस्थियां संगम में विसर्जित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि दद्दा जी का अंतिम संस्कार दद्दा धाम में ही होगा। न्यूज़ डेस्क।